नमस्कार, आप सभी का कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि थंबनेल से आपको जानकारी हो गई होगी कि मेरा आज रिसेंट टॉपिक क्या है, तो चलिए इसी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, SRMS, दैट्स मीन श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट बरेली, कहानी प्रतियोगिता हिंदी साहित्य के उभरते युवा कहानीकारों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली युवा कहानीकार प्रतियोगिता की श्रृंखला में वर्ष 2020 हेतु अधिकतम 25 वर्ष आयु के अध्ययनरत छात्र / छात्राओं से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती है। नेक्स्ट वन, पुरस्कार। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, उसी को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ₹11,000, द्वितीय पुरस्कार ₹5,000, तृतीय पुरस्कार ₹4,000। जैसा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज की आपको जानकारी हो गई है, यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार भी है, इसकी संख्या 2 रहेगी और जिसकी राशि है ₹2,500, दैट्स मीन ₹2,500। नियम व शर्तें, वेबसाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट मेंशन हो रहा है कि उस पर भी क्लिक करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके, आवेदन प्रक्रिया। तो फर्स्ट वन इज हस्तलिखित एवं MS वर्ड में टाइप की हुई कहानी की CD संलग्न कर 31 अगस्त 2020 तक प्रेषित करें। दैट्स मीन इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020 तक आप इसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड इज कहानीकार की उम्र एवं अध्ययनरत होने का विद्यालय /महाविद्यालय के प्रधानाचार्य /प्राचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें कि उसकी पर्टिकुलर एज क्या है। पर्टिकुलर एज आपको पता ही है कि मैक्सिमम एज क्या है इसमें 25 ईयर्स, और वो उस स्कूल और कॉलेज में अध्ययनरत है कि नहीं उसका भी प्रमाण पत्र साथ में आपको अटेस्ट करना है, इजंट इट। नेक्स्ट वन, लास्ट ऑफ ऑल, पत्र व्यवहार का पता, श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट, N3 रामपुर बाग बरेली, फोन नंबर 7900553000। आई रिपीट, 7900553000। नेक्स्ट वन, 7456004383। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, ओके, बाय।